दूती चंद, इनको कौन नहीं जानता। 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीत चुके स्टार महिला धावक दूती चंद। इन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था कि वो समलैंगिक रिश्ते में है। 23 साल की दूती चंद अपने समलैंगिक रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने वाली भारत की पहली स्पोर्ट्स पर्सन है। दूती ने मीडिया से बात करते हुए अपनी महिला पार्टनर के बारे में भी बताया था। उस वक्त दूती चंद ने अपनी बहन पर आरोप लगाया था कि उनकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उन्हें अपने समलैंगिक रिश्ते के बारे में बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब ये एथलीट अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। समलैंगिक रिश्ते के खुलासे के बाद से एथलीट दूती चंद को अपने ही गाँव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूती चंद ओडिशा के बुनकरी के चाका गोपालपुर से आती है। 19 मई को जब दूती चंद ने पत्रकारों के सामने खुलासा किया था कि उनकी सोलमेट एक लड़की है, उसके बाद से उनके अपने ही उनके दुश्मन बन गए। कभी ओडिशा का गुमनाम गांव रहे गोपालपुर को दूती चंद ने वैश्विक पटल यानी दुनिया भर में पहचान दिलाई, लेकिन उनके गाँव के लोग उसी बेटे की वजह से आज शर्मसार महसूस कर रहे हैं और दूती चंद के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। उनके गांव वाले उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। हमने उनकी दौड़ में हमेशा उनका समर्थन किया, लेकिन उनके इस रिश्ते को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। गांव वालों का कहना है कि शादी केवल एक पुरुष और स्त्री के बीच ही हो सकती है। लोगों का ये भी कहना है कि उसे पूरी दुनिया के सामने कभी भी इस रिश्ते के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। दूती को इन सब के चक्करों में ना पड़ते हुए अपने खेल तक ही सीमित रहना था। यहां तक कि दूती चंद का परिवार भी अपनी बेटी के फैसले पर उनके साथ नहीं है। चंद की मां अकुजी ने बताया कि मैं खेल में उनकी खास रुचि को लेकर हमेशा उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन हम पारंपरिक जुलाहे समुदाय से हैं जो हमें ऐसी चीजों को करने की इजाजत नहीं देता है। हमें अपने रिश्तेदारों और समाज का सामना भी करना होता है, लेकिन दूती चंद की हरकत के बाद हम उनका सामना कैसे करें यह हमें समझ नहीं आ रहा। दूती के पिता चक्रधर चंद कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो कर रही है वो अधर्म और अनैतिक है। उसने हमारे गाँव के सम्मान को ठेस पहुँचाया है और मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो मेरी बेटी है। हालांकि दूती चंद को अपने समलैंगिक रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर बताने के लिए और स्वीकार करने की हिम्मत दिखाने के लिए तारीफें भी मिल रही हैं। एथलीट के इस कदम को कुछ लोग भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन इस बहादुरी भरे खुलासे के बाद दूती और उनकी पार्टनर का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। दूती के पार्टनर ने गांव वालों की नाराजगी के बाद दूसरे कस्बे का रास्ता अपना लिया है। दूती चंद कह रही हैं कि उनके परिवार वाले एक पुरुष से शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। उन्हें केवल इसी परंपरा के बारे में मालूम है, लेकिन मैंने जिस शहर में पढ़ाई की वहाँ हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार और गांव मेरे साथ कब आएगा भी या नहीं। दूती ने बताया था कि वो अपने पार्टनर के साथ अपना घर बसाना चाहती है, अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करना नहीं चाहती, लेकिन उनकी बहन को इस बारे में पता चल गया और वो उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। इसके चलते दूती चंद को इस रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को बताना पड़ गया, वरना उनका ऐसा कोई मन नहीं था। आपके लिए यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दूती चंद बचपन से ही संघर्ष का जीवन जी रही हैं। एक गरीब परिवार में जन्मी दूती ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो नदी के किनारों पर अभ्यास करती थी, जमकर मेहनत करती थी और गांव की कच्ची सड़कों पर ही जॉगिंग करने जाया करती थी। पिछले दिनों दूती चंद ने खुलासा किया था कि उनके 3 साल से एक लड़की के साथ संबंध है। दूती ने कहा था कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 पर अपना फैसला सुनाया, तब हमने फैसला किया कि अब एक साथ जिंदगी बिताने में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हमने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे और खुद का एक छोटा सा परिवार बसाएंगे। दूती ने अपने पार्टनर के बारे में बताया था कि वो मेरे ही शहर की है और उसे भी खेल खेलना जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने मेरे बारे में पढ़ा कि मुझे खेल जब मैंने करियर बनाया तो कितनी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा, ये सब उसने किताबों में पढ़ा था। उसके बाद वो मेरी कहानी से प्रेरित हुई और वो मुझसे मिलने आई, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो हम करीब आए और करीब आने के बाद वो प्यार में तब्दील हो गया। दूती कहती है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई अपराध नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है और हम इसे जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। मैं अभी लोगों की नज़रों में हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए खेल रही हूँ, लेकिन खेल से अलग होने के बाद भी मुझे ज़िंदगी जीनी है। कुछ लोग दूती चंद की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं।
26 मई को ओडिशा के ही एक गांव में 19 साल की एक लड़की को समलैंगिक रिश्तों के चलते घर से बाहर घसीटकर एक पेड़ से बांध दिया गया और जम के पीटा गया, जिसके चलते अब कई लोग सामने आए हैं और वो दूती चंद को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। देश में कई ऐसे लोग हैं जो एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप को सार्वजनिक रूप से देखना पसंद नहीं करते हैं, वहीं समलैंगिक संबंध पर तो बात करना भी गुनाह माना जाता है, लेकिन दूती चंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रही है कि मैं वो बच्ची नहीं हूँ जो अपने माँ बाप की हर बात को आंख मूंद कर मान लेती हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना जीवन उसी के साथ बिताऊंगी जिसे मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगी, इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़ जाए। ये सब दूती चंद कह रही है। दूती चंद के समलैंगिक रिश्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्ते।